हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज है दिन अलविदा का और दिन जुमा भी है, तो यहाँ पे फटाफट से सुबह से ही लग गए थे हम लोग तैयारी में। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे के कुर्ते पजामे पे प्रेस कर दिया है। ये मेरा ब्लैक एंड वाइट सूट है, मैंने सूट मंगाया था अपने लिए, बट वो आया ही नहीं ऑर्डर मेरा, तो मुझे पुराना ही सूट पहनना पड़ेगा। एनीवे तो यहाँ मेरा बेटा नहा धो करके तैयार हो गया था, इसने कहा मम्मा मेरे नाखून काट दो, उसके नाखून बहुत ज़्यादा डर्टी से हो रहे थे, तो मैंने उसके नाखूनों को यहाँ पे काट दिया क्योंकि नहाने से सॉफ्ट हो जाते हैं नाखून। यहाँ पर मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई थी, तो मैं भी तैयार हो गई थी, सॉरी। तो यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद तुरंत ही मेरे फ़ोन की घंटी बजी, मेरा पार्सल आ गया। तो पार्सल क्या, वही सूट ऑर्डर किया था मैंने, वही सूट आ गया अलविदा पे जो मुझे पहनना था। बट एनीवे ये सूट आ गया है, खुशी भी इस बात की कि आ गया है, और गम इस बात का है कि मैंने जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ पाई आज इसके इस वाले सूट के साथ। तो ये सूट का बहुत जैसे मैंने सोचा था वैसा ही सूट है, ये बहुत प्यारा कलर था इसका, कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है। और ये सूट फ्रॉक है, ये सूट नहीं है सॉरी, फ्रॉक है ये। तो इसकी पैंट में जेबें नहीं थी, मैंने सबसे पहले यही देखा जेब है इसकी नहीं है, और इसकी मोहरी भी सिंपल सी थी, जैसे मैं चार उंगली का बॉर्डर लगाती हूँ ना नीचे मोहरी पर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ये सिंपल सी प्लेन थी ये। तो ओवरऑल ये सूट अच्छा था, इसका कपड़ा भी अच्छा था। अगर आपको लेना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।